Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। किसान आंदोलन को 12 महीने हो गए हैं और इन 12 महीनों में सरकार और किसान के बीच में कई दौर की मीटिंग चली, लेकिन न सरकार झुकने को तैयार थी और ना ही किसान। 12 महीने के आंदोलन के दौरान 700 से अधिक किसान शहीद हो गए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुपूर्व के दिन तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन किसान फिर भी अपने घर जाने को तैयार नहीं थे। उसके बाद सरकार को झुकना ही पड़ा और सरकार ने किसानों के सभी जो मांगों को पूरा करने का ऐलान कर दिया। किसान की मांगों में MSP का मुद्दा हो या फिर शहीदों के परिवार को कंपनसेशन देने का या उनके परिवार को नौकरी देने का, सरकार ने सभी मांगों को मान लिया है। उसके बाद SKM के नेताओं ने एक मीटिंग की और मीटिंग में डिसीजन लिया कि 11 तारीख के बाद सभी किसान अपने अपने घर को जाएंगे। 11 तारीख के बाद सभी किसानों का दिल्ली के सभी बॉर्डरों से घर वापसी होना शुरू हो जाएगा। ऐसे में क्या है किसानों की पहली प्रतिक्रिया, बात करते हैं यहाँ गाजीपुर पे कुछ किसानों से और जानते हैं कि आखिर उन्हें कितनी खुशी हो रही है इस फैसले के बाद। 11 तारीख से आप लोगों की घर वापसी है, 15 महीने हो गए इस गाजीपुर बॉर्डर पे, पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? प्रतिक्रिया देखो, खुशी भी बहुत है हम लोगों को और दुख हमें उनका है जो हमने 750 अपने किसान खोए हैं। और रही बात सरकार की, सरकार ने आज भी वहीं पे आई, अगर यही एक साल पहले आ जाती तो भी वहीं पे आती, बातें वही मानी गई जो किसान कह रहा था। क्यों, हम सच पे खड़े थे, सच की लड़ाई लड़ी हम लोगों ने, किसान ने सच्चाई की लड़ाई लड़ी, सरकार को झुकना पड़ा। एक साल से आप, मतलब 15 महीने से आप लोग यहाँ पे हैं, वापस जाके आप लोग क्या करने वाले हैं? क्योंकि जो 1-1.5 साल हो गया, आपने काम भी अपना छोड़ दिया होगा, अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस भी छोड़ दिया, खेती बाड़ी ठप, अब क्या करने वाले हैं वापस जाके? देखिए, जाके ऐसे तो काम पीछे फार्मिंग में कोई ना कोई देख ही रहा था, आप बीच में हम चले भी जाते थे, आ भी जाते थे, तो काम तो ऐसा हमने कोई छोड़ा नहीं है कि हमने काम बिल्कुल ठप कर दिया अपना। हमने अपनी खेती की है साथ में और यहाँ पे भी अपना धरना भी पूरा दिया है और धरना दबा के दिया, ये भी नहीं है कि हाँ एक दिन के लिए आ गए, जब भी आए तो 1 महीना 15 दिन लगा के गए हैं यहाँ पे। तो इस आंदोलन से आपको क्या सीखने को मिला कि मतलब सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए आगे? हमें ये सीखने को मिला कि कभी भी झूठ को बर्दाश्त मत करो और सच्चाई, अगर हम सच का लड़ाई लड़ रहे हैं तो अपना हक जो है वो ले लेना चाहिए, कैसे लो, आंदोलन करके लो या जो ऐसे भी लो, सच्चाई की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। सरकार ने जो है आप लोगों की सारी मांगे मांग ली है, उसके बाद जो है इसी आंदोलन की भीड़ में कुछ लोग ऐसे जो कह रहे हैं कि सरकार को हमें झुका दिया, 56 इंच की सीने की बात करने वाली सरकार को झुका दिया, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, ऐसा कुछ नहीं है ना, हमने सरकार को झुका दिया, सरकार को लगा हमने गलत काम बनाया, जनता खिलाफ है, सरकार को लगा गलत काम है तो उसने अपने आप झुकाना, हमें आपस में हम लोग थोड़ी, ये कोई किसी कंट्री से लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को झुका दिया या हमने आप, हम तो आप एक ही देश में बैठे हुए हैं, झुकाने वाली क्या बात है, हमारी समस्याएं थी उनका हल हुआ है, ऐसा कोई भी ये बोले। 15 महीने की यहाँ की यादें जो है आपकी, उसको क्या क्या यहाँ की यादों को लेके जाने वाले हैं अपने गाँव? इन यादों को तो नहीं भूल सकते हैं, जैसे हम रात में यहाँ पे जब तंबू उड़ गए कई बार तो पल्लियों में भी लेटे हैं हम लोग और कई बार कंबल भी नहीं थे तो ऐसे ही लेटे हैं और मच्छरों में भी लेटे रहे हैं, तो इस तरीके की यादें हमारे साथ रहेंगी, ये जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी। तो ये किसानों को जो पहले के आंदोलन होते थे, किसान आंदोलन पहले भी हुए हैं बहुत बार, तो पहले के आंदोलन इस बार के आंदोलन में क्या? देखिए, पहले के आंदोलन में जो था ये मीडिया नहीं थी, यानी मोबाइल प्रक्रिया नहीं थी, इसके माध्यम से इस आंदोलन को बहुत आगे ले जाने में सफलता मिली। इस चीज़ का हमें टेक्नोलॉजी का, मोबाइल का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, जिससे आंदोलन बढ़ चढ़ के चला। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार को जो है आप लोगों की मांग मानने में बहुत ज़्यादा समय लग गया? हाँ, ये देखो, जो किसान ने कहा था आज भी सरकार वहीं पे आई है बैकफुट पे, तो
यही बातें अगर 10 दिन या 15 दिन में अगर किसानों को यहाँ किसान इकट्ठे हुए थे और सरकार मान लेती, ये 750 जो किसान शहीद हुआ है ये ना होता, और जितना हमारा लाखों रुपए का यहाँ किसान का खर्च आया है वो ना होता। इन चीज़ों का जिम्मेवार जो है ये सरकार है। 15 महीने की मेहनत जो आप लोग आज रंग लाई है, 11 तारीख से आप लोगों को घर वापस, क्या कहेंगे? 15 महीने का जो आंदोलन हमारा हुआ है ये बहुत ही संघर्ष आंदोलन रहा। जब से देश आज़ाद हुआ अब तक ऐसा आंदोलन हुआ नहीं। आंदोलन बहुत बड़ा रहा और आंदोलन में जो हमारे शहीद हुए किसान उनका हमें बहुत बड़ा दुख है। क्या कारण रहे कि मतलब जो है सरकार ने 15 महीने वेट किया और उसके बाद बिल वापस ले लिए, क्या उसको आप किस चीज़ से देखते हैं? एक आपका संघर्ष, एक पहले आपने हिटलर का नाम सुना होगा, हिटलर की सरकार है ये। हिटलर की तरह इन्होंने शासन चलाया है। इन्होंने सोचा कि भाग जाएंगे किसान छोटा है, भाग जाएगा, डर जाएगा धूप से, बारिश से, भैंस अड्डे से। इस किसान गया नहीं, अड़ा रहा, तो इसलिए ये सरकार ने मानना। अच्छा, किसान की जितनी भी मांगे थे उस पर सरकार ने आश्वासन देते हुए कहा कि हमने सारी मांगे पूरी करेंगे, मतलब MSP का जो कमेटी बनाएंगे उसमें आपके एक मेंबर रहेंगे, जो जैसे भी मांगे थी, जैसे तो कि उसको आप कैसे देखते हैं सरकार? जैसे कि मुकदमे हैं, MSP है, 3 कानून वापसी तो ले ही लिए, पूरे MSP पर कमेटी बना दी है, और आपके प्रणाली के हैं और मुद्दे, मतलब बहुत मुद्दे हैं जो ठीक है, जो हमारे ट्रैक्टर हैं, जो हमारे थानों में बंद हैं, ये वापसी हो जाएंगे कह दिया सरकार ने। लेकिन कहीं आपको लगता है कि इन सब चीज़ों को जो है अब राजनीति से जोड़कर देखा जाना चाहिए? नहीं, ये तो टिक्का साहब की डोज है, पहले 40 दिन की थी, अब 15 महीने की डोज रही सरकार की, हो जो 13-14 महीने जो डोज रही है, तो इस डोज से आराम मिला सरकार को। अच्छा, पहले जो आंदोलन होते थे, पहले भी किसान आंदोलन कई बार हुए हैं लेकिन जल्दी नहीं बढ़ जाते थे, ये 15 महीने चलना, दोनों में मैंने अभी आपको बताया कि हिटलर की सरकार थी, हिटलर को समझना पड़ा कि किसान है इस देश में। तो आप लोग यहाँ से जाएंगे, 11 तारीख के बाद जाना शुरू हो जाएगा लगभग, कुछ लोग 11 को ही पहुँच जाएंगे, कुछ को 1-2 दिन लगेंगे, तो ऐसे में आप लोग अब गांव जाके यहाँ की कौन कौन सी यादों को समेटने वाले हैं अपने साथ? भाई यादें तो सारी रहेगी, यहाँ पर झोपड़ी भी है, और हमारे ताऊ चाचा बाबा भी जो हमारे चले गए शहीद हो गए वे भी याद आएंगे, और हमारे पुलिस भाई भी है, मीडिया भाई भी है, और भी मतलब जो भी हमारे सहयोगी रहे हैं सभी को याद आएंगे, और ये जगह भी याद रहेगी। एक आपका गांव दूसरी तरफ है, एक आपने गांव यहां बसा लिया था। गांव यहां बसा लिया, एक हर साल ये एक प्रोग्राम भी होकर रहेगा, यहां पे हर साल होकर रहेगा प्रोग्राम, मतलब हर इसी दिन ही होकर रहेगा, 26 जनवरी को, हर 26 जनवरी को प्रोग्राम होकर रहेगा यहां पे शहीद दिवस, वो जो हमारे जो शहीद बॉर्डर मनाया करेंगे, यही जगह होगी, जो अनेक बॉर्डर है हमारे वे भी ऐसे आ करेंगे। आज का दिन को कैसे देखते हैं, आपके पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? आज के दिन को हम उन शहादत दिए हुए परिवारों को अर्पण करते हैं जिन्होंने 750 के करीब किसानों ने अपनी शहादत देकर इस देश के किसान आंदोलन को जीवित रखा। उन सभी मीडिया बंधुओं को, सभी पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस आंदोलन को जीवित रखा, उनकी इस आंदोलन की लगातार कवरेज की, जो अराजक तत्वों से इसको बचाए रखा, उन सबका धन्यवाद देते हैं। और 13 महीने में हमने यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला, सरकार के तरह तरह के हथकंडे, गलत षड्यंत्र से हम निकल करके आए हैं, और हमने ये 13 महीने में ट्रेनिंग ली है कि सरकार क्या क्या हथकंडे कर करके सरकार किसान आंदोलनों को तोड़ सकती है, आंदोलनों को तोड़ सकती है, बहुत बड़ी जीत का। कुछ लोगों का मानना है कि 56 इंच वाले सीने वाले सरकार को हम लोगों ने झुका दिया, ये कोई झुकाने का विषय नहीं था, ये विषय था कि देश की सरकार को देश के किसान और मजदूर की बात सुननी चाहिए। जो आपकी सरकार लेकर के आए थे, आप उन्हीं के खिलाफ अगर कुछ करोगे तो ये इतना बड़ा मामला हो जाएगा। ये अगर देश का किसान जीतेगा तो देश की सरकार जीतेगी। आपको क्या लगता है क्या कारण रहेंगे कि अब जाके 15 महीने में जो है बिल वापसी लिए गए, सारे बात का आपके माने जा रहे हैं, क्या इलेक्शन जोड़ कर देखते हैं? 13 महीने हो गए हमें कुछ मंत्रियों और अधिकारियों को समझाने में कि ये कानून गलत थे, ये अफसोस का विषय है कि 13 महीने लगे कुछ अधिकारियों को और मंत्रियों को समझाने में। अगर हो जाता है पहले तो हो सकता था कि हमारे 700 के करीब जो परिवार इन्हें शहादत दी है वो सेफ रह जाते। अब जाके सरकार को समझ में आया तो क्या कारण है कि अब बात आपकी मान गई? सरकार अब समझ में आई है,
हम तो यही समझते हैं कि अब से पहले वो समझ नहीं पाई थी और कुछ को समझा नहीं पाए थे। कुछ राज्यों में इलेक्शन है, कहीं इसका खामियाजा वहाँ ना भुगतना पड़े। अब ये तो सरकार ही बता सकती है कि उन्हें क्या समझ में आया, लेकिन ये जरूरी है कि इसको समझाते समझाते 13 महीने हो गए। पहले भी जो है किसान आंदोलन हुए हैं, लेकिन पहले के किसान आंदोलन को और आज के किसान आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं? पहले भी आंदोलन होते रहे और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इसी आंदोलन से जीत हुई है। अगर एक ताले को तोड़ने में 10 चोट मारनी पड़ती हैं और 10वीं चोट से टूटता है तो ये नहीं कहा जा सकता कि 9 चोट बेकार रही। वो जो पहली 9 चोट मारी थी वो भी कहीं ना कहीं उसको तोड़ने में कामिल रही है। अंत भला तो सब भला से कहते हैं, तो अब जाके सरकार ने जब आपकी बात मान ही ली तो सरकार के प्रति आप लोगों की नाराजगी है अभी भी? अगर 13 महीने आंदोलन पर बैठकर और अपनी शहादत 700 परिवारों की देने के बाद ये सरकार मनाई है तो ये पीड़ा हमारे अंदर है और रहेगी। अब आप लोग क्या करने वाले हैं यहाँ जाने के बाद? जब 11 तारीख को आप लोग यहाँ जाना स्टार्ट कर देंगे उसके बाद क्या करने वाले हैं? हम स्टेट सरकारों से वार्ता कराएंगे और अगर स्टेट सरकार हमारी समस्याओं को इशुओं को नहीं सुलझ जाती है तो आंदोलन वहाँ भी होगा, क्योंकि आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन और आंदोलनकारी जब तक देश में है तब तक ये देश जिंदा है, अन्यथा देश नहीं बचेगा। किसान में एक बड़े नेता है जिन्होंने अभी बयान दिया कि सरकार को माफ कर देना चाहिए, ये कोई माफ का इशू ही नहीं है। ये 13 महीने का जो पीड़ा है वो ऐसे ही नहीं निकलती है। अब सरकार इसमें क्या क्या फायदे देगी किसान को तब ये कुछ आगे निकल। तो जैसे कि कुछ किसानों का कहना था कि सरकार को डर था कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं और इस आंदोलन का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, इसीलिए सरकार ने ये बिल वापस ले लिए और किसान की सभी मांगों को मान लिया। उनका कहना है कि घर जाने की एक तरफ जहां उन्हें खुशी है वहीं दूसरी तरफ दुख भी है उन 700 से अधिक शहीद किसानों के लिए। अब देखना अहम यह होगा कि क्या 11 तारीख के बाद ये सभी लोग घर को वापसी जाने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हाल ही में खबर यह आ रही है कि SKM की एक मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि सभी बॉर्डर से किसान 11 तारीख के बाद अपने अपने घर को जाने शुरू हो जाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मोजो स्टोरी। मैं हूं अनूप। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू मोजो स्टोरी एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट रोबस्ट जर्नलिज्म।